सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री का यूनिट 10 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एक्चुअली में ये इनऑर्गेनिक का मतलब ब्लॉक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर होता है, ठीक है, जो कि होता है एस ब्लॉक। फिर आता है पी, फिर आता है डी एंड एफ, ठीक है। तो आज हम लोग एस ब्लॉक से शुरू कर रहे हैं। तो इसको हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और जहाँ समझना होगा वहाँ समझेंगे भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अल्कली एंड अल्कलीन अर्थ मेटल्स डिफर्स इन मेनी रेस्पेक्ट्स फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, ठीक है। मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अल्कली और अल्कलीन अर्थ मेटल्स होते हैं, वो बहुत रेस्पेक्ट में अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप से डिफ़र करते हैं। तो ये क्या है अल्कली और अल्कलीन अर्थ मेटल्स, ये हम लोग आगे समझने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, मतलब क्या क्या पढ़ेंगे। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, हम लोग क्या क्या जानेंगे। डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अल्कली मेटल एंड देयर कंपाउंड, मतलब अल्कली मेटल और उनके कंपाउंड्स को हम लोग पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। Describe the manufacture properties and uses of industrially important sodium and calcium compounds including Portland cement. Appreciate the biological significance of sodium, potassium, magnesium and calcium. तो ये सब हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग अब अपना NCERT रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो द एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर दोज in which the last electron enters the outermost s orbital. As the s orbital can accommodate only two electrons, two groups 1 and 2 belong to the s block of the periodic table. तो जैसा कि मतलब periodic table में जो अगर outermost मतलब जो last electron है वो outermost s orbital में जा रहा है तो उसको हम लोग s block में रखते हैं, उस element को, ठीक है। ग्रुप वन ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो इसका ट्रिक याद भी हो गया होगा आप लोग को, यहाँ पे हाइड्रोजन भी होता तो ऐसे है, हेली ना निकिया, इसके लिए के रब से फरियाद। तो ये तो ट्रिक आप लोग को पता ही होगा। दे आर कलेक्टिवली नोन एज द अल्कली मेटल्स, इनको कलेक्टिवली हम लोग अल्कली मेटल्स कहते हैं। दीज आर सो कॉल्ड बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स ऑन रिएक्शन विथ वाटर विच आर स्ट्रांगली अल्कलीन इन नेचर। तो इसको अल्कली क्यों बोलते हैं पता चल गया, क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं वाटर के साथ। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप टू इंक्लूड्स बेरीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम एंड रेडियम। तो इसका ट्रिक भी पता ही होगा, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी, ठीक है। दीज एलिमेंट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम, एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम याद रखना, आर कॉमनली नोन एज अल्कलीन अर्थ मेटल्स। दीज आर सो कॉल्ड बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर अल्कलीन इन नेचर एंड दीज मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। तो क्यों होता है, क्योंकि अल्कलीन नेचर होता है और अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है, ठीक है। अमोंग द अल्कली मेटल्स सोडियम एंड पोटेशियम आर एबंडेंट एंड लिथियम, रुबीडियम एंड सीजियम हैव मच लोअर एबंडेंस, ठीक है। फ्रांसियम इज हाईली रेडियो एक्टिव, इट्स लॉन्गेस्ट लाइव्ड आइसोटोप फ्रांसियम 223 हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ ओनली 21 मिनट्स, ठीक है। ऑफ द अल्कलीन अर्थ मेटल्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रैंक फिफ्थ एंड सिक्स्थ इन अब्यूंडेंस रेस्पेक्टिवली इन द अर्थ्स क्रस्ट। स्ट्रॉन्टियम एंड बेरियम हैव मच लोअर अबंडेंसेस, बेरिलियम इज रेयर एंड रेडियम इज रेयरेस्ट ऑफ ऑल कंप्राइजिंग ओनली 10^-10% ऑफ इंजीनियस रॉक्स। The general electronic configuration of S block elements is NS1 for alkali metals and NS2 for alkaline earth metals. तो last में NS1 होगा alkali में और alkaline earth में NS2 होगा, ठीक है। Next,
Lithium and beryllium, the first elements of group 1 and 2 respectively, exhibit some properties which are different from those of the other members of the respective group. तो lithium और beryllium जो group 1 और 2 के पहले element है, तो वो अपने अपने group के members से different होते हैं कुछ respects में, ठीक है. In these anomalous properties, they resemble the second element of the following group. Thus, lithium shows similarity to magnesium, मतलब lithium magnesium से similar है, and beryllium to aluminium. तो इसको क्या कहते हैं, diagonal relationship, ठीक है. In many of their properties, these type of diagonal similarity is commonly referred to as diagonal relationship in the periodic table. अब इसका reason दिया होगा क्यों. The diagonal relationship is due to the similarity in the ionic sizes and या फिर or charge by radius ratio of the elements. मतलब या तो charge by radius ratio same होता है, ठीक है, या फिर ionic size same होता है, तो दोनों एक ही बात है. Monovalent sodium and potassium ions and divalent magnesium and calcium ions are found in large proportions in biological fluids. These ions perform important biological functions such as maintenance of ion balance and nerve impulse conduction. Okay. Group 1 elements, alkali metals. The alkali metals show regular trends in their physical and chemical properties with the increasing atomic number. The atomic physical and chemical properties of alkali metals are discussed below. Electronic configuration. All the alkali metals have one valence electron, jaise NS1, outside the noble gas core. The loosely held S electron in the outermost valence shell of these elements make them the most electropositive metals. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि S इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं, तो फिर वो जल्दी से, मतलब जैसे ये पॉजिटिव है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये जितना जल्दी निकलेगा उतना इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये न्यूक्लियस है, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो उतना इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स होगा. तो लूजली हेल्ड होते हैं इसीलिए वो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स होते हैं. दे रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन टू गिव मोनोवैलेंट एम प्लस आयंस. Hence, they are never found in free state in nature. इसलिए वो कभी भी free state in nature नहीं पाए जाते हैं, ठीक है. इधर electronic configuration दिया हुआ है, ठीक है. अब है atomic and ionic radii. The alkali metal atoms have the largest sizes in a particular period of the group periodic table. मतलब कि periodic table में उनके पास largest size होता है. जैसे कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे आगे का सबसे बड़ा, फिर थोड़ा सा छोटा, फिर थोड़ा सा छोटा, फिर थोड़ा सा छोटा. ये हो गया सोडियम, मान लेते हैं. फिर सोडियम के बगल वाला जैसे लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, तो यहाँ पे आता है मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, ऐसे ये चलता जाएगा. मतलब कि सोडियम का सबसे बड़ा होगा उसके ग्रुप में, ठीक है. नेक्स्ट, विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द एटम बिकम्स लार्जर. मतलब कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है एटम बड़ा होता जाता है, ऑफकोर्स क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं और प्रोटॉन भी. द मोनोवेलेंट आयंस एम प्लस आर स्मॉलर देन द पेरेंट एटम. तो एम जो होगा वो एम, द मोनोवेलेंट आयंस एम प्लस आर स्मॉलर देन द पेरेंट एटम. ये ठीक है, मतलब लिथियम प्लस आयन इज स्मॉलर देन लिथियम, ठीक है. द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ एल्कली मेटल्स इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, दैट इज द इंक्रीज इन साइज वाइल फ्रॉम Li टू Cs. तो Li से Cs में साइज बढ़ता है, तो ऐसा होता है, मतलब ऊपर छोटा फिर थोड़ा बड़ा
फिर और बड़ा, मतलब नीचे जाने में बड़ा होता जाता है, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, द आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ अल्कली मेटल्स आर कंसिडरेबली लो, क्योंकि आयनाइज करना बहुत आसान है। आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए हम लोग को, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो आराम से निकल जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी लो होता है एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। और डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो और आसान होगा निकालना, इसलिए डिक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम Li टू Cs। दिस इज बिकॉज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइज आउटवेज द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेल स्क्रीनड फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी, द हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ अल्कली मेटल्स आयन डिक्रीज विद इंक्रीज इन आयनिक साइजेस, Li प्लस, फिर Na प्लस, फिर K प्लस, फिर Rb प्लस, फिर Cs प्लस, मतलब कि आयनेशन एंथैल्पी उसको कहते हैं, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बताता हूँ, कि Li प्लस के आसपास कितने अच्छे से वाटर सराउंड हो जाएगा, तो जिसका आयन सबसे छोटा होगा उसके अराउंड वाटर आराम से सराउंड होगा, तो Li प्लस सबसे छोटा इनमें, सबसे बड़ा Cs प्लस है, तो इसको वाटर से घेरना मुश्किल है, इसको वाटर से घेरना आसान है, तो इसीलिए इसका आयनेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। Li प्लस हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंड फॉर दिस रीजन लिथियम सॉल्ट्स आर मोस्टली हाइड्रेटेड, और Li इतना हाइड्रेटेड होता है कि उसके सॉल्ट हमेशा हाइड्रेटेड ही होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, All the alkali metals are silvery white, soft and light metals. Because of the large size, these elements have low density, which increases down the group from Li to Cs. However, potassium is lighter than sodium. Potassium जो है sodium से हल्का होता है, ये याद रखना है। The melting and boiling points of alkali metals are low, indicated weak metallic bonding. Due to the presence of only a single valence electron in them, the alkali metals and their salts impart characteristic color to an oxidizing flame. This is because the heat from the flame excites the outermost orbital electron to a higher energy level. When the excited electron comes back to the ground state, there is emission of radiation in visible region of the spectrum as given below. So, ye yaad rakhna hai. Li का क्रिम्सन रेड, सोडियम का येल्लो, पोटेशियम का वायलेट, रुबीडियम का रेड वायलेट, सीजियम का ब्लू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसको याद रखना है। अल्कली मेटल्स कैन देयरफॉर बी डिटेक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव फ्लेम टेस्ट से, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्लेम फोटोमेट्री और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। These elements when irradiated with light, the light energy absorbed may be sufficient to make an atom lose electron. ठीक है, इसके टेबल में इसका पूरा दिया हुआ है डाटा। दिस प्रॉपर्टीज मेक सीजियम एंड पोटेशियम यूजफुल एज इलेक्ट्रोड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। तो यहाँ तक हम लोग ने एक ब्रीफ देखा चैप्टर कैसे स्टार्ट हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये सब, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर यहाँ से पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ से, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग ये टेबल देख लीजिए अच्छे से, इसके वेरिएशंस, और ये तो याद रखना ही है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाकी आपको फिजिक्स या फिर और भी केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स हों तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएंगे बॉक्स में, वो आप चेक कर लीजिएगा पक्का से, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, ठीक है। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही, बाय।